9 महीने जिस बेटे को पेट में पाला वही बेटा निकला माँ का कातिल। महाराष्ट्र के अकोला के जूना शहर पुलिस स्टेशन के हद में आने वाले सोम थाना में सोमवार को हुई 55 वर्षीय महिला की हत्या के बाद 36 घंटों में ही इस कत्ल की वारदात से पर्दा उठा लिया गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस बेटे को 9 महीने अपनी कोख में पाला वही बेटा निकला अपनी ही माँ का कातिल। क्या माँ ने कभी सोचा होगा कि मेरा ही बेटा मेरा कातिल निकलेगा? छोटा सा घरेलू मामला इस कत्ल का कारण बना, और कारण सिर्फ यह था कि अपनी बहू के साथ मामूली बात पर कहा सुनी के बाद बहू मायके चली गई थी, जिसके बाद सोमवार को बेटे ने अपनी माँ को पत्नी के मायके जाने की बिना पर गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया, और तभी से आरोपी बेटा फरार था। पुलिस ने इस पूरे मामले से पर्दा उठाते हुए सिर्फ 36 घंटों में ही हत्यारे बेटे को दबोचने में कामयाबी हासिल की और उसे अदालत में पेश किया, जिसके बाद अदालत ने उसे 10 अगस्त तक पुलिस कस्टडी सुनाई है। इस समय वो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। हमारा सवाल ये उठता है कि वो माँ जिन्होंने 9 महीने अपनी कोख में जिस बच्चे को पाला है, जो दर्द उसने लिया है, क्या वो दर्द एक पत्नी के दर्द के आगे कम नजर आया? तो हम ऐसे बेटों को कहना चाहेंगे कि वो जिस तरीके से अपनी पत्नी से मोहब्बत करते हैं, उसी तरह से अपनी माँ से भी मोहब्बत करे, क्योंकि उसने तुम्हें जन्म दिया है। द डेली इंडिया न्यूज की रिपोर्ट। सोमवार को एक दिन 5 तारीख को रात को 11 बजे एक इंफॉर्मेशन मिली थी मुझे कि यहाँ से एक सोमटाना करके गांव है, वो गांव में एक 55 साल की औरत लगभग वो ऐसे ही पड़ी है घर में, और उसके नाक से खून आ रहे, बाल में खून लगा है। इसलिए मैं मेरा स्टाफ लेके वहाँ पे गया, देखा तो कोई हलचल नहीं कर रही थी, उसके नाक और बाल को खून लगा था। तुरंत मैंने एक प्राइवेट डॉक्टर को बोला, जांच किया तो उन्होंने बताया कि चीत नो मोर। उसके बाद मैंने हमारे एसपी सर, सम्माननीय अमोक गावकर सर, एडिशनल एसपी सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके गए हम लोग। तभी उसके बाद सुबह कल 6 तारीख को 302 का हम लोगों ने केस रजिस्टर किया। इसमें जो फिरियादी है वो उस औरत का बेटा ही है, और तभी उसने बताया था कि ये जो कत्ल है ये शायद मेरे भाई ने ही किया होगा। वैसा ही हम लोगों ने FIR दर्ज किया। कल हमने उसको ढूंढा, उसके भाई को, लेकिन नहीं मिला। रात को वो मिला, उसका नाम है प्रदीप शांताराम डाबाडे, 35 साल का है, उसको अरेस्ट किया।